बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी मोहम्मद वाला अलैहि वसाबी बारक वसल्लम। शहादत के भी क्या कहने और शहीद के भी क्या कहने। शहादत तो वो आला मर्तबा के बंदा अल्लाह के हुजूर एलाए कलिमातुल्लाह के लिए, अल्लाह का कलिमा बुलंद करने के लिए, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की खातिर अपनी जान का नजराना अल्लाह के हुजूर पेश कर रहा है, अपनी जान जान आफरी के सिपुर्द कर रहा है, दौड़ रहा है अपनी जान पेश करने। ये और अच्छा, ये मैं इसको भी वादे कर दूं, लोग इसको पढ़ते रहते हैं, जान आफरी के सिपुर्द करना। जान आफरी नहीं है, जान आफरी यानी जान बनाने वाला, जान पैदा करने वाला अल्लाह ताला। अपनी जान जान आफरी के सिपुर्द करना, यानी जान बनाने वाले पैदा करने वाले के सिपुर्द करना। तो शहीद वो है जो इलाए कलिमतुल्लाह के लिए, अल्लाह के कलिमे की बुलंदी के लिए, अल्लाह के दीन की सर बुलंदी की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करता है। उसका ये फेल शहादत है और ख़ुद वो बंदा शहीद कहलाता है। फ़ईल बमाना मफूल भी हो सकता है, बमाना फ़ाइल भी हो सकता है। शहादत की फजीलत की बात करें तो क्या बात करें शहादत की फजीलत की, कि जिसके बारे में कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद में अल्लाह तबारक व तआला ये इरशाद फरमाए, वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। और वो लोग जो अल्लाह की राह में मर जाएं, कत्ल कर दिए जाएं, तो उन्हें अमवात ना कहो, उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन वो बल्कि वो जिंदा हैं लेकिन तुम्हें उसका शऊर नहीं है। जिनके मरने के बावजूद अल्लाह इस बात से मना कर दे कि उन्हें मुर्दा ना कहो, इस दुनिया से चले गए हैं लेकिन अल्लाह को गवारा नहीं कि उन्हें दुनिया वाले मुर्दा कह के पुकारे। अल्लाह कहता है वो जिंदा हैं, हाँ तुम्हें शऊर नहीं है उनकी जिंदगी का, क्योंकि उन्होंने हयात दायमी हयात अबदी हासिल कर ली है रब के हुजूर शहादत का नजराना पेश करके। दूसरे मकाम पे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं भी कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद, वला तहसबन्नल्लज़ीन कुतिलु फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़कून। पहले कहा था उन्हें कहना नहीं, कहने से मना किया था, कॉल से, अब गुमान से भी मना फरमा रहा है। और हरगिज गुमान ना करना, लाम भी और आगे ताकीद जो है वो नून ताकीद आ रहा है, नून ताकीद सकीला ताकीद के साथ, हरगिज गुमान ना करना, नहीं हरगिज गुमान ना करना उन्हें के जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए, क्या गुमान ना करना मुर्दा, बल्कि वो जिंदा है, अपने रब के हुजूर रिस्क दिए जाते हैं। और आगे बिशारत भी दी गई, आगे इसी आयत के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आगे फरमाना ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उन्होंने ये बिशारत दी जाती है शुहदा को, कोई खौफ नहीं है उन पर, कोई गम नहीं है उन्हें। ये कुरान शहीद की और शहादत के फजाइल बयान कर रहा है। अहादीस की तरफ आइए, हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शहीद जैसे ही शहीद होता है उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं सिवा दैन के, सिवा कर्ज के। यहां से उलमा जो नुक्ता निकालते हैं कि ये दैन कह के इशारा कर दिया गया कि शहीद के जिम्मे हुकूकुल इबाद बाकी रह गए, लेकिन जो हुकूक अल्लाह की कोताही जितनी भी थी वो सारी की सारी जो है वो शहादत की वजह से माफ हो गई। और हुकूकुल इबाद के बारे में भी हुस्ने जन ये है कि अल्लाह तबारक व तआला सुलह करवा दे, अल्लाह हज के बाद ये शर्त देता है, अल्लाह सुलह करवा दे, उनके दिलों में नरमी डाल दे, वो अपने हुकूक इसको माफ कर दे, रब की रहमत से ही उम्मीद है। दूसरी जगह इसमें फरमाया कि रोज़े क़यामत शुहदा के जो खून है ये चमक रहे होंगे, मुश्क की तरह खुशबू आएगी, जो जख्मों के निशान होंगे खुशबू आएगी मुश्क की, बरोदे कयामत है, ये उनके मेडल, ये उनके तगमे शहदा के जो जख्म है। फिर जो हदीस मुबारक में फरमाया कि छह चीजें मिलेंगी शहीद के लिए, मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, छह चीजें फरमाया, एक जब शहीद शहीद होता है मरते ही अपना ठिकाना देख लेता है जन्नत में, मरते ही मगफरत हो जाती है पहले हल्ले में, दूसरा क्या है अदाब कब्र से मामून हो जाता है, तीसरा क्या आगे फरमाया कि फजाउल अल फजाउल अकबर, बड़ी घबराहट वो कयामत की उससे महफूज रहता है। फिर आगे क्या फरमाया, फरमाया उसको ताज वकार पहनाया जाता है जिसके अंदर एक याकूत ऐसा है कि दुनिया माफिया सबसे बेहतर है। पांचवी आगे क्या खसलत है शहीद की, जो हदीस इसी में बयान हुई, आगे हदीस में फरमाया 72 हूरों से अल्लाह तबारक व तआला उसका निकाह फरमाएगा जन्नत में। और अगली बात जो आखिरी छठी इरशाद फरमाई वो ये कि अपने अकारिब में से 70 बंदों की शफाअत करेगा अल्लाह, उसे ये इज्न देगा। तो ये शहीद के फजाइल तो और भी हैं, लेकिन सारी बात है वक्त की दामनगीर है, इन्हीं से आप अंदाजा लगा लें कितने इतने रिवॉर्ड्स कम है, अल्लाह जो है वो इनामात रिवॉर्ड्स, क्या बात है।